विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, वह एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता, वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट भाकुर गांव 28 मई 1883 में हुआ था। उनकी माता जी का नाम राधाबाई और पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनके दो भाई और एक बहन थी। बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर, जिन्हें बाबा राव भी कहा जाता था। उनके छोटे भाई का नाम नारायण दामोदर सावरकर था। उनकी बहन नैना बाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे, तभी हैजे की महामारी में उनकी माता जी का देहांत हो गया। इसके 7 साल बाद उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश सावरकर के व्यक्तित्व का विनावेश सावरकर पर गहरा प्रभाव पड़ा। गणेश सावरकर भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। विनायक सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वह बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उन्होंने उस समय कई पुस्तक और कविताएं भी लिखी। आर्थिक संकट के बावजूद बड़े भाई गणेश सावरकर ने विनायक सावरकर की शिक्षा का इच्छा का समर्थन भी किए। सन 1901 में रामचंद्र त्रेम्बक की पुत्री यमुना बाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए में दाखिला लिया। उस शिक्षा के दौरान ही विनायक सावरकर ने स्थानीय नौकरों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया और शीघ्र ही इन नौकरों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। उस समय कॉलेज के दौर में राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। फिर उन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का पूर्ण विरोध किए और विदेशी वस्त्रों को जलाकर एक होलिका मनाई। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और 1906 में वकालत करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिए। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। विनायक सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किए, जिसे वह अपने साथी भारतीय छात्रों से स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, उन्होंने अपने यशस्वी भाषण में परमाणु सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जून 1908 को तैयार हो गई। उन्होंने इस पुस्तक को इंग्लैंड में नहीं छपवा सकते थे, क्योंकि इस पुस्तक को अंग्रेज जब्त कर लेते और राजनीतिक गतिविधियां पाए जाने पर जेल भी हो सकता था। फिर उन्होंने 3 लिपियां लिखी। एक लिपि इंडिया अपने बड़े भाई के पास भेजवाएं और एक जर्मनी और एक फ्रांस भीकाजी कामा के पास भेजवाएं, और भीकाजी कामा ने उन पुस्तकों को प्रकाशित कराया और भारत भी भेजवाई। उन पुस्तकों से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कई महापुरुष भी प्रभावित हुए। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाने की कला, गोरिल्ला पद्धति से किस तरह हम लड़ते हैं उसके बारे में वो सिखाते थे। भारत पिस्तौल भी भिजवाते थे। 1 जुलाई 1909 सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढिंगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर विलियम हट कर्जन वाली की हत्या कर दी। ढिंगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं और मदन लाल ढिंगरा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। उस समय सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखे थे। कुछ महीने बाद सावरकर के संगठन का एक लड़का नासिक में अंग्रेज कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने हत्या की योजना में शामिल होने और भारत पिस्तौल भेजने के जुर्म में इंग्लैंड में वीर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 25-25 साल की 2 काला पानी की सज़ा सुनाई गई और 1 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब सावरकर को इंग्लैंड से भारत ले जाया जा रहा था, तब जहाज़ फ्रांस के बंदरगाह से गुजर रहा था, तब उन्होंने बाथरूम जग गया टॉयलेट गए और टॉयलेट के शिविर से निकलकर समुद्र में कूद गए और तैरते हुए फ्रांस बंदरगाह पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर पुनः अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत आने के बाद काला पानी की सज़ा के लिए उन्हें अंडमान सेलुलर जेल भेजा गया। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी काला पानी के बारे में बताया था। कैदियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था, नारियल छिलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था, साथ ही कोल्हू में बैल की तरह
जूत कर सरसों नारियल आदि का तेल निकालना होता था। रुकने पर उनकी कड़ी सजा दी जाती थी, कोड़ से पिटाई की जाती थी और भरपेट एवं शुद्ध खाना भी नहीं दिया जाता था। शौच उसी जेल में करना पड़ता था। गंदे की बदबू से उनके सेहत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वीर सावरकर कोयले से जेल की दीवारों पर कविताएं लिखा करते थे और उन्हें कंठस्थ किया करते थे। वीर सावरकर कहते थे, भारत भूमि पुत्र अहम पृथव्य, अर्थात यह भारत भूमि ही मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। उन्होंने कई बार दया याचिका को लिखा लेकिन हर बार खारिज कर दिया गया। वह कहते थे कि जो कार्य मैं जेल में रह कर नहीं कर सकता वह कार्य मैं बाहर रह के कर सकता हूँ। फिर एक दिन उनके रिहाई पर शर्त रखा गया। उन्होंने जो शर्त रखा वह अंग्रेज़ों ने रखा कि वह ब्रिटिश कानून को नहीं तोड़ेंगे और न ही विद्रोह करेंगे। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक वह सेलुलर जेल में रहे। 10 सालों तक काला पानी की सजा काटी। फिर उनको 1921 में रत्नगिरी की जेल में 3 सालों तक रहे और इसी समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व कौन हिंदू है। उन्होंने इस पुस्तक में हिंदू सिख जैन बौद्ध को हिंदुत्व बताया और उन्होंने हिंदू राष्ट्र के एक विचारधारा को विकसित किया। उन्होंने गाय को उपयोगी वस्तु ही माना, इसलिए कुछ लोग उन्हें नास्तिक भी समझते थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। 1924 ईस्वी को उनको रिहा कर दिया गया। उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन करवाए। वह जातिवाद के खिलाफ थे। वह मंदिरों का निर्माण करवाए। सन 1948 को महात्मा गांधी के हत्या के आरोप में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप सिद्ध न होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। 8 अक्टूबर 1949 को उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी अनुमा बाई की मृत्यु हो गई। फिर उनके स्वास्थ्य गिरने लगी। 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने यह घोषणा कर दी कि आज से मौत तक मैं उपवास रखूंगा। उन्होंने एक लेख लिखा उपवास के दौरान, यह आत्महत्या नहीं आत्मार्पण है। 20 दिनों तक उपवास रखते हुए 26 फरवरी 1966 को वह दुनिया की को अलविदा कह गए। इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते हैं, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा